ये कौन है? यही तो है उस फिल्म का मनहूस डायरेक्टर। ये तो वही बुड्ढा है जो उस दिन हमें स्टूडियो के बाहर मिला था। इसका मतलब कि वो उस फिल्म का डायरेक्टर था? शायद उस हादसे की वजह से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। चलो मिलते हैं उससे। वो एक ही आदमी है जिसके पास हमें हमारे सारे सवालों का जवाब मिलेगा। कब तक आप ये राज अपने सीने में दफना के रखेंगे? आखिर सच क्या है ये आज आपको बताना ही पड़ेगा। कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। देखिए आप सब कुछ जानते हैं और जानकर भी अनजान बन रहे हैं। नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें हमारे सवालों के जवाब ना दें। ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए। कुछ याद आया? ये आपके फिल्म की मूरत की फोटोग्राफ है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मयंक के घर से। अब बताइए उस फिल्म पर आपने ऐसा क्या शूट किया था जिसकी वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं? हाँ, मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। मौत, मौत दिखाना चाहता था मैं। मतलब असली मौत? हाँ, असली मौत। मैं अपनी फिल्म में असली मौत दिखाना चाहता था, पर मेरे एक्टर ये नहीं जानते थे मैंने उनके चाकू बदल दिए हैं। सुनो, इस शॉट में मुझे तुम्हारे रियल एक्सप्रेशन चाहिए, एकदम असली। जी सर। ये एक अमर प्रेम कथा है, इसमें तुम दोनों एक दूसरे को इसलिए मार रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुम हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। इससे पहले कि मौत तुम दोनों को जुदा करे, तुम दोनों ने साथ साथ मरने का फैसला किया है। साथ साथ। साउंड, कैमरा, एक्शन। ये जालिम दुनिया वाले जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे, और मरने के बाद हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। विजय, नंदनी, विजय, नंदनी। जब तक किसी का खून ना हो जाए तब तक वो चैन नहीं पाते। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी इस फिल्म की वजह से कितने लोगों की जाने गई हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, इतना सब कुछ हो रहा है और आप यहाँ चुपकर बैठे, जबकि इस मौत के खेल की शुरुआत आप ही से हुई है। मैं लाचार हूँ, ये फिल्म मुझ पर भी वही असर करती है जो दूसरे लोगों पर कर रही है। क्या मतलब? मैंने भी एक खून किया है। खून? किसका खून? इस फिल्म के एडिटर का। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने खून किया है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये खून क्यों किया। इस फिल्म को देखने के बाद ही मैंने ये खून किया होगा। तभी तुम यहां चुपकर बैठे हो, क्योंकि तुम एक खूनी हो। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि पुलिस कहीं मुझे पकड़ ना रहे, इसलिए मैं ये खाना बदोश की जिंदगी जी रहा हूँ। क्या आपको जरा सी भी खबर है कि आपके पापों की सजा आपकी बेटी भुगत रही है? मेरी बेटी? हाँ, आप ही के फिल्म की वजह से आपकी बेटी ने अपने हस्बैंड को मार दिया। क्या? मेरी बेटी ने अपने ही पति को मार डाला? और ये बात वो पूरी तरह भूल भी चुकी है। ये मैंने क्या कर डाला? अपनी ही बेटी को विधवा कर दिया। अब इससे पहले कि आपकी बेटी और लोगों की जाने ले, हमें उसे रोकना होगा। हाँ, हमें रोकना होगा, हमें ये सब रोकना होगा। Thank you.
पापा ने तो कोई फिल्म नहीं बनाई, ये किस फिल्म की रील है? चलाकर देखती हूँ। तुम आ गए, 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए काला आया हूँ। जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ। दीदी, दीदी, ये जालिम दुनिया वाले जीते जी हमें कभी एक नहीं होने देंगे। और मरने के बाद हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। की वजह से इतनी सारी मौत है। हमें वो रील चला देनी चाहिए इससे पहले कि कोई और वो फिल्म देख ले। ना तो कोई ये फिल्म देखेगा और ना ही किसी इंसान के अंदर ऐसी हैवानियत जागेगी।